और सुभाषपा के महामंथन को लेकर चलिए कुछ जरूरी जानकारी भी आपको दे देते हैं। सुभाषपा की प्रदेश स्तरीय ये बैठक है जो कि आज 11 बजे लखनऊ में होने वाली है। प्रदेश स्तरीय नेताओं की ये बैठक है लखनऊ में आयोजित की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करने वाले हैं। प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को इस बैठक में बुलाया गया है। इसके अलावा सुभाषपा 2022 के चुनाव परिणाम की समीक्षा भी करेगी। 2024 चुनाव की तैयारियों की प्लानिंग भी इस बैठक में होने वाली है। 11 बजे बेहद अहम बैठक ये होने वाली है। ताजा जानकारी इस पर क्या है, शैलेश अरोड़ा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं बताने के लिए। शैलेश, सुभाषपा की बड़ी बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि 2022 में जो पार्टी को नतीजे मिले उसको लेकर और 2024 को लेकर ये बैठक बहुत अहम है, लेकिन ताजा अपडेट आपके पास क्या है इस बैठक को लेकर? बिल्कुल, देखिए अगर बात करते हैं हम 2000 जिस तरह से 22 के नतीजे आए हैं उनको लेकर, तो कहीं ना कहीं सुभाषपा जो है उसको काफी अच्छा मानती है। उसके पीछे एक वजह भी है, समाजवादी पार्टी के साथ देखिए गठबंधन था सुभाषपा का, और उसमें अगर हम देखते हैं तो रालोद के बाद जो दूसरे नंबर पर हम देखें तो सुभाषपा को ही सीटें मिल पाई है, जीत पाई है, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चीज है। अब सुभाषपा का जो लक्ष्य है वो है 2024, और उसमें किस तरह से इस गठबंधन में आगे काम करना है, किस तरह से काम करना है, इन सब चीजों के ऊपर मंथन होगा। लेकिन जो मंथन होगा वो होगा जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनकी मंत्रणा के साथ में, कि यानी वो क्या चाहते हैं, पार्टी के लोग क्या चाहते हैं, किस तरह से वो आगे सपा गठबंधन के साथ चलना चाहते हैं, इन चीजों को लेकर वहां पर देखिए मंथन होगा। और जिस तरह से हमने देखा था कि इससे पहले 2017 से 22 तक की जो सरकार रही, ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरह से हमने देखा कि वहां पर विद्रोह किया, उसके बाद मंत्री पद छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी के साथ में वो आ गए इस बार चुनाव लड़े मिलकर, तो उसके बाद कहीं ना कहीं सपा देखिए लगातार ये कहती है कि सपा में आने के बाद उसने बीजेपी का कहीं ना कहीं नुकसान किया, सरकार भले बन गई हो लेकिन सपा ये दावा करती है कहीं ना कहीं उसने भाजपा को नुकसान पहुंचाया है इस चुनाव में। और उनका ये कहना है कि आगे और बेहतर रणनीति के साथ काम करेंगे, जब 24 का चुनाव आएगा लोकसभा, माफ कीजिएगा, जब 24 का लोकसभा चुनाव आएगा तो उसमें भी उनका कहना है कि हम मिलकर काम करेंगे और बेहतर तरीके से काम करेंगे। तो बहरहाल ये कहने की बातें अलग है, लेकिन उसके लिए एक स्ट्रैटेजी चाहिए, और वो स्ट्रैटेजी क्या होगी इसे लेकर सपा अब मंथन करेगी, ये तय करेगी कि आखिर किस तरह से आगे चलना है, सपा के साथ चलना है या किस तरह से आगे 24 के लिए अपने आप को तैयार करना है। इन सभी चीजों के ऊपर आज लंबा मंथन होगा। 11 बजे से चारबाग के एक ऑडिटोरियम में ये पूरा कार्यक्रम रखा गया, और इस तरह से अगर आप देखें तो अलग से इतना लंबा चौड़ा मंथन का ये पहला कार्यक्रम होगा। जब से विधानसभा चुनाव के परिणाम आए तब से सपा ने समाजवादी पार्टी के साथ जरूर बैठक हुई, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ ओम प्रकाश राजभर की बैठक जरूर हुई है, लेकिन इंटरनल अगर बैठक की बात करें तो इतनी बड़ी ये उनकी पहली बैठक होगी जिसमें 22 पर मंथन होगा जो नतीजे आए, और 24 की तैयारी पर भी मंथन होगा। तो ये कुल मिलाकर, क्योंकि अब सभी दल जो है देखिए 24 के लिए आगे अभी तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो देखिए भारतीय जनता पार्टी, 22 के नतीजे आए और 24 की तैयारी शुरू हो गई, तो अब कहीं ना कहीं बाकी दल जो है वो भी उस लाइन पर चलते हुए दिख रहे हैं कि कैसे अपने आप को 24 के लिए तैयार किया जाए, इसकी स्ट्रैटेजी, इसकी रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया।